बैक टू माई चैनल, माई नेम इज सुगंधा शर्मा और इस वीडियो में हम विस्तारा एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ के बारे में बात करेंगे। विस्तारा एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ में कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर को हायर कर रहा है। सुपरवाइजर एक एग्जीक्यूटिव से ऊपर की पोस्ट होती है, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम कि आप पूरी वीडियो देखें उसके बाद आपको पता चले। लेकिन इसी से हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि बहुत रेगुलरली वैकेंसीज नहीं होती हैं फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली बॉयज़ के लिए। तो जब भी वैकेंसी आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए देर इज़ अ गुड एंड्रॉयड ऐप कॉल्ड मैप। ये रेगुलरली अपनी वैकेंसीज अपडेट करते हैं फॉर कैबिन क्रू, फॉर ग्राउंड स्टाफ, फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, सभी में। इट्स अ वेरी गुड ऐप रेगुलरली अपडेट रहने के लिए। इफ़ यू आर एन एविएशन एस्पिरेंट एंड यू वॉन्ट टू बी अपडेटेड रेगुलरली, then please do download it. The link will be in the description and the logo of the app is right this. Let's get started with the vacancy. सबसे पहले ये जो vacancy है ये विस्तारा एयरलाइंस के customer service department में है। customer service में executive की जो vacancy है जो freshers के लिए, उस पर I've already made a video, description में link है। अगर आप एक fresher हैं तो please description में link पर click करके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप थोड़ा सा अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव की जगह आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं। थोड़ी ऊपर के लेवल की पोस्ट होगी ये, पैन इंडिया यानी ऑल ओवर द इंडिया ये वैकेंसी रहेगी। जिनके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री में, सिर्फ वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि आपने कहीं पर एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव किसी और डिपार्टमेंट में काम किया हो तब आप एलिजिबल होंगे, पर्टिकुलरली एविएशन में ही होना चाहिए। लेकिन मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि आपको डायरेक्ट जाके इंटरव्यू नहीं देना है, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिर्फ तभी जब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी आपको डेट प्लेस टाइमिंग्स बताने के लिए कंपनी मेल करेगी। तो अब आपको घर बैठे अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस में भी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट गो राइट अवे एंड अप्लाई फॉर इट, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं जो अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, इसमें क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ जिनके पास एविएशन का एक्सपीरियंस है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में सिर्फ जो लोग ग्रेजुएट्स है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र एक बड़ी पोस्ट है और कंट्रोल करने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन 100% कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें गिवन है जो कस्टमर सर्विस की होती है, यानी बेसिकली जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसी काम को सुपरवाइज करना या फिर हायर लेवल पे हैंडल करना सर्विस सुपरवाइजर डज। स्किल्स में प्रेफर्ड एक्सपीरियंस ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेशंस इन अ 24/7 एनवायरनमेंट मांगा है। सेकंड, एबिलिटी टू ट्रेन, मोटिवेट एंड गाइड अ टीम ऑफ न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ, यानी जो भी नए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो आपके अंडर काम कर रहे होंगे, तो आप उनको गाइड कर पाओ, उनको रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेन कर पाओ कि काम को कैसे करना है, हाई लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाओ, विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट ओनली। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी स्किल्स, यानी चीज़ों को सुपरवाइज करने की, हैंडल करने की आपके पास स्किल्स हों। शुड हैव एक्सेलेंट रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत 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 अच्छी होनी चाहिए। आई विल से बेटर देन द कैबिन क्रू, क्योंकि एज अ कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर फर्स्ट थिंग आप जब भी कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स नीड टू बी गुड। प्लस हियर यू आर वर्किंग एज अ सुपरवाइजर, यानी आप एग्जीक्यूटिव्स के भी ऊपर काम कर रहे हैं, तो यू नीड इवन बेटर स्किल्स। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग आई टी स्किल्स इंक्लूडिंग फुल सूट ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशंस। यहाँ पे IT का नाम सुन के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास सिर्फ IT में डिग्री हो। कहने का मतलब है कि आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस कम्प्लीटली आने चाहिए। एक होता है बेसिक लेवल पे आना, कम्प्लीटली आना, तो आपको 100% कम्प्लीटली आने चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी इन दिस वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट वॉज देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर जॉब वैकेंसीज। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन।